अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार इल्जाम लगाने और फंसने पर बेशर्मी दिखाते हुए माफी मांगने के मास्टर खिलाड़ी हैं। दिल्ली में एलजी के साथ तकरार पर केजरीवाल पहले भी उलूल जुलूल बयान दे चुके हैं और वो सब भी बोल चुके हैं जिसे एलजी वी के सक्सेना ने कभी कहा ही नहीं। लाख जतन करने के बाद भी अब तक अपना मेयर न बना पाने से हताश केजरीवाल ने अब एक बार फिर से वही पुराना शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एलजी ने उनसे कहा कि वो सुप्रीम प्रशासक हैं, उनके पास ताकत है, वो चाहे जो करें। दरअसल दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव की तारीख बीत गई, लेकिन अब तक मेयर नहीं बन सका। आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स हैं, लेकिन उसे डर है कि उनके पार्षद चुनाव में बीजेपी की तरफ न खिसक जाएं, इसलिए केजरीवाल और उनके साथी कभी कोई बहाना बनाते हैं तो कभी कोई, तो कभी खुद गुंडागर्दी करते हुए इल्जाम दूसरों पर मढ़ देते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी ये किसी को नहीं पता कि मेयर का चुनाव कब होगा। और इसी लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीवी के सक्सेना से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि एलजी दिल्ली की सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने बयान दिया कि उन्होंने एलजी के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा, हाई कोर्ट का ऑर्डर रखा, जोर देकर कहा कि वे दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप न करें। लेकिन केजरीवाल के मुताबिक एलजी सिर्फ ये कहते रहे कि वे सुप्रीम हैं, उनके पास पूरी ताकत है। यहाँ तक दावा हुआ कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिर्फ एक राय बताया और कहा कि वे प्रशासक हैं और संविधान के मुताबिक एक प्रशासक के पास पूरी ताकत रहती है। अब केजरीवाल के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो देर सवेर पता चल ही जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने अपनी 8 सालों की राजनीति में ऐसे कितने झूठ बोले हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं केजरीवाल ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि एलजी द्वारा दिल्ली के विकास को बाधित किया जा रहा है, उनके पास जो पावर्स हैं, वे उसका इस्तेमाल कर भी कई फैसलों को रोकने का काम कर रहे हैं। इस बारे में केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनावों से पहले हर विभाग की सैलरी रोकी गई थी, वो गलत था। इस तरह उनकी तरफ से जो 10 एल्डरमैन नियुक्त किए गए उसकी ताकत भी उनके पास नहीं थी। उन्होंने ये भी साफ कहा कि प्रशासक शब्द तो हर जगह लिखा हुआ है, फिर चाहे वो दिल्ली का कोई नमूना हो या संविधान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली सरकार के पास तो कोई ताकत ही नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।